ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका इस्तेमाल इसलिए हुआ ताकि वोटों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके और एक निष्पक्ष रिजल्ट आए। लेकिन अब ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट ना ही किसी एनजीओ की तरफ से आई है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बल्कि ये रिपोर्ट खुद चुनाव आयोग की है। देश की लाखों ईवीएम मशीन खराब है और उसकी मरम्मत हो रही है। अब ऐसे में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या जो भाजपा के लोगों पर हमेशा से विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि उनका अप्रत्याशित उत्थान ईवीएम मशीनों का कमाल है, तो अब इस बात को सच समझा जाए? ईवीएम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ईवीएम हटाओ के नारे लगा रहे हैं और ये सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम जनता का एक वर्ग भी इसके विरोध में है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने खराब वीवीपैड मशीनों को लेकर चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 37% वीवीपैड मशीनें खराब पाई गई है। ये मशीनें वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव और दूसरे चुनाव के दौरान भी इस्तेमाल की गई। ऐसे में सरकार सहित दूसरे जिम्मेदार संस्थानों पर सवाल खड़ा होता है। पार्टी ने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता में जनता के विश्वास और भरोसों को बहाल करने के लिए चुनाव आयोग को वीवीपैड को लेकर उठे गंभीर सवालों के जवाब पूरी पारदर्शिता के साथ देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे जनता के मन में चुनावी व्यवस्था को लेकर संशय भी पैदा होगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कांग्रेस ने कहा कि जिन मशीनों में खराबी पाई गई है उनकी संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई मशीनों का एक तिहाई यानी 37% से अधिक है। इससे 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के वोट प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाले हजारों मशीन के खराब होने पर भी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन नहीं किया गया। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि वो क्या छुपाना चाहती है। चुनाव आयोग का पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा कि 6.5 लाख वीवीपैड मशीनों को खराब पाया गया है और इन्हें मरम्मत के लिए निर्माताओं के पास भेजा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीवीपैड मशीनें नवीनतम M3 प्रकार की है, जिन्हें पहली बार 2018 में चुनाव आयोग द्वारा लाया गया था और उसके बाद के चुनावों में मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2021 में चुनाव आयोग ने माना कि कुछ मशीन खराब है, तो क्या इसका इस्तेमाल बाद के चुनाव में हुआ? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन मशीनों को वापस मंगाए जाने के कारण के बारे में राजनीतिक दलों को विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। पवन खेड़ा के अपने बयान में कहा कि हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हमें बताते हैं कि उन्हें सूचित किया गया था कि ऐसी गतिविधि चुनाव अधिकारियों द्वारा सामान्य प्रक्रिया के रूप में की जा रही है, लेकिन हमें चुनाव आयोग द्वारा सूचित किए जाने के बजाय मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद एहसास हुआ कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। आपको बता दें कि इन गंभीर मुद्दों पर विचार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनहित में चुनाव आयोग ने 8 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए बताते हैं वो प्रश्न क्या है। पहला ये कि क्या चुनाव आयोग वीवीपैड मशीनों में आ रही खराबियों की पहचान करने में सक्षम रहा है? दूसरा, यदि हाँ तो क्या चुनाव आयोग ने उन सभी खराबियों को ठीक कर दिया है जिनकी पहचान हुई थी? जब संग्रह का आदेश 2021 में ही जारी हो चुका था, तब वीवीपैड मशीनों की खराबी में सुधार और पहचान में देरी क्यों हुई? क्या चुनाव आयोग उन सभी मशीनों की पहचान करने में सक्षम रहा है जिनमें खराबी की सूचना दी गई है, यानी क्या सभी वीवीपैड मशीनों में खराबी की जांच की गई है? पांचवा, वीवीपैड मशीनों के लिए होने वाली प्रश्न स्तर की जांच में खराबी का पता क्यों नहीं चल पाया? क्या आयोग ने DEO और CEO से कोई रिपोर्ट मांगी है जो इन विशेष मशीनों के प्रभावी थे जिन्हें खराब घोषित किया गया है? सातवां ये कि अब आयोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने की योजना बना रहा है जिनके चुनाव पर दूरगामी प्रभाव होते हैं? और आठवां ये कि वीवीपैड मशीनों की कार्यप्रणाली के संबंध में उठाए गए मौजूदा मुद्दे को देखते हुए क्या चुनाव आयोग आगामी चुनाव में इन मशीनों का उपयोग करना जारी रखेगा? कांग्रेस ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में प्रत्येक भारतीयों का विश्वास, भरोसा और निष्ठा हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। ये ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी छवि के लिए, बल्कि प्रदेश नागरिक को एक आवाज़ देने में भी महत्वपूर्ण है।
ये एक ऐसी शक्ति है जो सरकार की नीतियों को प्रभावी करती है। आज मोदी सरकार संसद में बहस को दबा रही है। विपक्ष एक्टिविस्ट और पत्रकारों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर रही है, न्यायपालिका पर दबाव बना रही है और मीडिया को डरा रही है। ऐसे नाजुक समय में वोट की ताकत एवं कीमत और भी बढ़ जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।